हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज मैं लेके आई हूँ फिर से एक नई वीडियो अपनी ऑडियो के साथ एक्चुअली बहुत लंबे टाइम बाद एक ब्रेक मेरा हो जा रहा है और फिर मैंने एक वीडियो अपलोड करी है तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने एक पेंसिल स्केच बनाए हुआ है और यह मैंने एक्चुअली अपने बेबी का बनाया था और इसकी फर्स्ट बर्थडे में बनाया था और अभी ये एटीन मंथ्स का हो गया अब जाके मैं इसको पोस्ट कर पा रही हूँ तो यह जो स्केच मैंने बनाया था यह मैंने इसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चारकोल यूज़ किया हुआ है चारकोल पाउडर का मैंने यूज़ किया हुआ है और आप लोग देख सकते हो कि मैंने ग्रिड लाइन से ही शुरू किया था बनाना और आ, इसमें मोस्टली डिटेलिंग जो है वो सारी की सारी मैंने जो बहुत माइनर डिटेलिंग है वो भी इसमें करने की कोशिश की थी इनकी इसके कपड़ों में स्पेशली तो अभी आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली बेबी का फ़ेस बनाना बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है क्योंकि वो बहुत बहुत स्मूथ और मतलब क्लियर फेस होता है तो उसमें कोई टेक्सचर इतना नहीं होता है क्लीन फेस होता है तो इसके कंपैरिजन में अगर हम किसी एज वाले का बनाते हैं तो उसकी स्किन टेक्सचर में काफ़ी समय लगता है तो यहाँ पर ये स्केच तो मैंने मतलब मैं तो टू डेज़ में कंप्लीट किया था मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इसमें और वो भी बीच बीच में मैं उठ जाती हूँ इसलिए मैं कंटिन्यू काम नहीं करती हूँ तो यहाँ पर जो शर्ट थी मैंने इसमें थोड़ा डिटेल्ड वर्क किया था तो थोड़ा बहुत टाइम मुझे इसी में लगा था इसमें और बाकी ज़्यादा तो इसमें काम इतना था नहीं तो मेरा यह स्केच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर एक नए स्केच के साथ शॉर्ट्स तो मैं लगभग अपलोड करती रहती तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए शॉर्ट्स को देखिए शेयर कीजिए और वीडियोस भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं लाऊँ हफ्ते में एटलीस्ट एक तो लाऊँ और शॉर्ट्स देखिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो so मच